Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our comedy club. Couple of announcements before we start the show. Kindly put your phones on silent or airplane mode. Videography and flash photography of any kind is strictly prohibited. Please do not take off your mask at any point in the show. We'll be starting in 2 minutes. तो यार देखो मतलब जानवरों से एक्चुअली मेरा एटीट्यूड जानवरों की तरफ बहुत अलग था पहले लगा मुझे था जानवरों के बाकी जानवरों हमें क्या है उनसे इंसान मेन होते हैं टीम ह्यूमन बट 5 साल पहले जब मुंबई आया था ना तो मैं अकेला था तो मैं बहुत बोर हो रहा था तो मैंने सोचा एक पेट रख लेते हैं अच्छा फोटो तो खींच के इंस्टा पर डालेंगे लाइक्स आएंगे और लाइक्स नहीं आए तो फेंक के दूसरा लेंगे तो अब टॉप 2 कंटेंडर्स पेट के लिए डॉग और कैट ही हैं बाकी तो रेस हार गए बुरी तरह मैं दोस्त कह रहा कुत्ता ले ले क्योंकि उनको सूंघ के पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है बताया कैसे हमें भाव 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 कुत्ता इतना भौंक कर रहा है आज यार अर्थक्वेक आ रहा अर्थक्वेक भूख लगी है इसको खाना खा तुम मरोगे सारे तू खाना खा यार तू और बेचारा कुत्ता वफादार है हमारे साथ ही रहेगा हमारे साथ ही दबके मर जाएगा उसको एक में और मरते टाइम ब्लेम किसे करेगा अपनी डेथ के लिए हमें मैं 2 साल से भौंक रहा था कि निकल लो तुम खाना ठूसते रहे मेरे मुंह में जो मैं मोटा हो गया मैं नहीं भाग पाया तो मैंने कहा यार तो कोई रीजन तो ठीक नहीं है भाई कोई और रीजन करे कुत्ते प्यार बहुत करते हैं सही बात है पर बदले में मांगते ही बहुत कुछ है वो उनकी मेंटेनेंस है कुत्तों की उनको नहलाना पड़ता है नहला मैं खुद ही नहाता मैं नहाता इस शो के लिए नहा के आता हूँ बस मैं और वैसे भी नहाना नहीं लड़कियों ने फैला रखा है बहुत ज्यादा लड़कियां खुद तो रोज नहाती हैं इनको चाहिए बाकी भी रोज नहाए इनको जहाँ पड़ जाती है मैंने देखा है मैं कॉलेज जाता था लड़कियां बोलती थी तू नहा के नहीं आया मैं कहा मत चाटना मुझे आज तुम्हें क्या तुम्हें कौन सा मेरी नंगी पीठ पे समोसा रख के खाना बिल्लियों को नहलाना नहीं पड़ता बिल्लियां अपने आप खुद साफ कर लेती हैं चाट के वो जीप पे साबुन लेके घूम रही और वो हर जगह जीप से पहुंच जाती हैं पूरी बॉडी में हर जगह यहाँ वहां नीचे तक पूरा सारा वो और बाबा रामदेव दो ही हैं जो कर पाते हैं वो हम ही हैं जो पीठ पे ऐसे साबुन लगाते हैं बाबा नीचे जाते हैं पीठ के सामने बिल्कुल पर मैं बोल रहा था कि कुत्ते इंटेलिजेंट हैं जैसे कुत्तों को पता है कि हम कुत्ते नहीं हैं इसलिहे कुत्ता हमारे सामने अलग बिहेव करते हैं और कुत्ते आपस में अलग बिहेव करते हैं हमारे सामने लगे रहते हैं आपस में नहीं करते ये सब वो आपस में सिगरेट पी रहे हैं क्या यार मुंह दुख गया भैंसो क्यूट बन बन के यार बेस्ट फ्रेंड कहता है मुझे मैं ही होऊंगा इंसान दोस्ती करते रही इससे करेंगे भी क्यों जिसकी अपने बाप से नहीं बनी आगे आगे भैंसो बिल्ली को लगता है मैं बिल्ली ही हूं तेरी बेवकूफ है वो That's what the difference is. Like a dog is like a relationship. तुम्हें उसे बहुत कुछ मिलेगा पर तुम्हें बदले में बहुत कुछ देना पड़ेगा उसे A cat is like a roommate. वो पड़ा रहेगा तुम पड़े रहो तुम 6 दिन के बाहर जाओगे कुत्ता तुम्हें मिस करेगा बिल्ली कहेगी चलो इसके बेड पे सोते हैं यहाँ पे अपना साफ रहेगा 6 दिन तो मैंने कैट ही ली अब उसमें भी चॉइस थी क्या लेना है कैट में भी अडॉप्ट करना तुम क्या करना है बिल्ला या बिल्ली तो मैं सोचा यार बिल्ला ले लेते हैं बिल्ली भैंसो नहाने को ना बोलते पता लगा पंजे मार रही है मैंने नहाया नहीं मैं अक्रॉस स्पीशीज इनका बिहेवियर सेम है तो जब शुरू में मैं बिल्ला अडॉप्ट किया ना तो उन्होंने तो मैं बहुत टेंशन में था मैं कहा ये बिल्ला घर में ही रहेगा तो रास्ता काटता ही रहेगा अपने घर में कितना बच लूंगा मैं बाथरूम जा रहा हूँ रास्ता काटा स्लिप होके डेथ Oh,
तो अब जैसे वो रस्ता काटता है मैं छींक देता हूँ, तू भी ले अपशकुन में। हमने ही बनाया सारे, और दोबारा रास्ता काटा ना चप्पल भी उल्टी कर दूंगा मैं। क्या बहुत है अपने पास, टीम ह्यूमन बहुत स्ट्रांग है। तो शुरू में जब मैंने कैट अडॉप्ट की बिल्ला, तो उन्होंने मुझे साथ में कैट बिहेवियर एक्सपर्ट दिया कि ये तो बताता रहेगा बिल्लो क्या करना होता है क्या क्या नहीं करना होता है, FAQs लाइक सब। तो फर्स्ट डे उस बंदे ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा अभिषेक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपने कैट अडॉप्ट की, देखो आजकल सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है, लोग बिल्कुल हेल्प करना, आगे चल हाँ पता है काम की बात है भाई जी। कह रहे हैं फर्स्ट टिप ये कि जब लोग बिल्ला लेते हैं लोग बिल्ले को ज़्यादा ही प्यार से ट्रीट करते हैं कुछ, क्यों कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, आराम से रखो। अरे इतना कुछ नहीं है ठीक है, वो जंगली जानवर हैं, उनको जंगल में रहने की, शिकार करने की, पेड़ों से गिरने की, ऐसे रफ ट्रीटमेंट की बहुत हैबिट है, तो आप भी ट्रीटमेंट थोड़ी रफ ही रखना। तो तीन बिल्ले तो वैसे मर गए, मैं कहा है कि जंगली जानवर चोसला तो बर्दाश्त हुआ नहीं, मैं हो गया बस ये शेख रिश्तेदार है बेंच। तो जो अभी वाला बिल्ला है जिंदा, यही नाम भी है उसका। शुरू के 6 महीने बहुत मजे आए, बहुत फील, क्योंकि यार बिल्ला एक तो लाइक्स ही लाइक्स इंस्टा पे, क्या यार क्यूट बहुत है ना, इंसान से ज्यादा क्यूट है ऑब्वियसली, मुझे लगता सारे जानवर इंसान से ज्यादा क्यूट है, इंसान रह गए तो हम बस दिमाग ही मिला, शक्ल सूरत बाकी ले गए। तभी तो सिर्फ हम शीशा देखते हैं, वो कॉन्फिडेंट लुक्स को लेके ऊपर से सेम दिखते ना सारे, इनको शीशे की जरूरत नहीं, बिल्ला दूसरा बिल्ला देखता है कहते इसके बाल ठीक लग रहे हैं मेरे भी ठीक लग रहे होंगे। 6 महीने बिल्ले ने भाई जो छिपकलियां मारी, कॉकरोच भाई खत्म, में ऑल आउट का खर्चा ही खत्म, सब मार रहा है छिपकली कॉकरोच कीड़े, मैं कही छिपकली बहुत तंग करी, मर्डर मैं करे शर्मा रहा था, मैं तो अपना खुद का मर्डर है घर में, ऐसा रहता नेशनल ज्योग्राफिक में हूं मैं कहा मेरे रूम में एक एपिसोड निकालो मैं। 6 महीने बाद वो कैट बिहेवियर एक्सपर्ट फिर आया, कह रहा अभिषेक 6 महीने हो गए तो टाइम आ गया बिल्ले कटवा दो। मैं कहा क्या कटवा दूं, कह रहा कटवाने पड़ते हैं। मैं कहा क्या कटवाने पड़ते हैं, कह रहा मैं कहा नहीं 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 यार ज्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं यार, कह रहे बहुत जरूरी है अभिषेक ऐसे मत करो आप, पढ़ के आ जाके गवार। तो मैंने पढ़ा तो यार उनकी ना प्यूबर्टी नहीं आनी चाहिए, उससे पहले कटाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उनकी एक बार प्यूबर्टी आ गई ना तो उनको पता लग जाएगा सेक्स क्या होता है, और अगर एक बार पता लग गया सेक्स क्या होता है फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। वही सेम हमारे वाला सीन है, हमारा भी पोस्ट प्यूबर्टी बर्बाद हुए, पोस्ट प्यूबर्टी लोग लगे रहते हैं सेक्स के पीछे, पागल है लोग, सेक्स मिल गया तुझे, सेक्स मिला तुझे, मिलता सेक्स मिल गया सेक्स, मिल गया क्या होता है, कहाँ खो रहे हैं सेक्स लोग, सेक्स को इतनी बड़ी चीज समझते हैं, सेक्स के बारे में ब्रैग करते हैं कि भाई मैंने उस लड़की के साथ सेक्स कर लिया, देख रहा तू, दे ताली भाई, देख रहा भाई तू। मैं कहा था उसको भी करना था ना, तुझे उसको भी करना है तो बड़ी बात क्या है इसमें, फिर सब कुछ ब्रैग कर कि भाई मैंने पैसे दिए दुकान वाले ने दाल दे दी, देख रहा भाई तू, देख रहा तू भाई, जो बात डिसाइड हुई थी वही हो गई। इनको ये नहीं लगता कि लड़की ने भी सेक्स कर लिया, इनको लगता है हमने उनसे सेक्स ले लिया, कि इनके पास 5-6 ही सेक्स थे वो सारे हमने रख लिए, अब इसको सेक्स ही नहीं मिलेगा, ढूंढती रहे मैं अपने, अभी आएगी ब्रेकअप के 2 साल बाद वापस, सेक्स वापस कर यार मेरे सारे, एक तो दे यार। लोगों ने रिसर्च कर रखी है सेक्स में, रिसर्च, मेरे दोस्त मुझे एक दिन आगे कह रहे हैं अभिषेक सुन यार, ये लेफ्ट और राइट देखने के बाद आज तक किसी ने अच्छी बात कोई नहीं ऐसा करता कि गरीबों की हेल्प करनी है क्या, लोग घटिया बात ही बोलते हैं, बात बोल कह रहे सेक्स में लास्ट लॉन्ग कैसे करना है बताओ, मैं कहा मुझे जरूरत नहीं,
पर बताते तुम तो लेते हैं सुनने में क्या है, यू शुड बी ओपन टू चेंज. कह रहे मान ले तो सेक्स के बीच में, मैं कहा मान लिया. अबे ये मानता रहता हूं मैं. कह जब तुझे लग रहा है ना कि होने ही वाला है उस टाइम पे, तो ये सोच कि 671 × 23 कितना होता है. मैं क्या ही करे, एवोल्यूशन से ह्यूमन स्पेशली मेन हम ऐसे चुके हैं कि हम पहले आंसर निकाल के ही रहेंगे. हमारा साधन है पहले आंसर निकालने चल जाएगा, एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड यू लास्ट लॉन्गर. मैं कहा मगर 671 × 23 का जो आंसर है वो तुम्हें याद हो जाएगा. तो हर बार कैसे काम करेगा भाई. कह रहा है हर बार क्वेश्चन मुश्किल करता रहे ना, हर बार क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करता रहे. मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा मैं, पता लगा 6 महीने बेड में कैलकुलस कर रहा हूँ मैं. अभिषेक क्या ढूंढ रहे कॉन्डम. मैं कहने ग्राफ पेपर चाहिए था एक ना. और उस बंदे ने मेन चीज बताई नहीं कि कैलकुलेशन मन में करनी है. किसी की बॉडी पे नहीं. मैं मार्कर लेके सेक्स करने जा रहा हूँ. टाइम आया ढक्कन खोला मैं शुरू. मैं कमर यूज कर लूँ रफ्फक के लिए. बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, थ्रीसम लगेगा इसमें. मैं क्या इस बार 7 फुट का मर्द लाओ कोई यार. ये 5-5 फुट की लड़कियों पे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है. नहीं यार देखो ये सब बकवास है, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ मैं बहुत पीछे रह गया. मैं पीछे रह गया सेक्स में यार, सच में मैं बहुत लेट हो गया था. मैं ऑलमोस्ट मेनोपॉज आने वाला था. क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, लाइक छोटे होते ना मेरी मॉम बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत कंट्रोल. लाइक 7th में आके मेरी मॉम ने बोल दिया 7th में, लड़कियों का चक्कर तो नहीं तुम्हारे, अफेयर गर्लफ्रेंड इन चक्रम तो नहीं पड़े. मैं कहा नहीं पर कोशिश जारी है. मैं तो अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ, पर पढ़ाई की तरह यहाँ भी रिजल्ट नहीं आते. कह रही उम्र नहीं है सब करने की, ठीक है हम बताएंगे कब करना है. मैं कहा बता देना पक्का, ठीक है. बहुत जोर से वेट कर रहा हूँ. कह रहे हैं बता देंगे. हम तो लड़कियों से बात नहीं करनी हो, किसी लड़की का फोन भी नहीं आना चाहिए घर पे. तो मैंने स्कूल में आके फरमान जारी कर दिया, मैं कोई लड़की घर पे फोन नहीं करेगी. लड़कियां कह रही ओह शिट, फायदा क्या जीने का फिर. तो एक दिन दोपहर को मैं अपने घर पे अपनी छोटी बहन के साथ घर घर खेल रहा था. मैं पत्नी बना था, क्योंकि यार मुझे सिंदूर लगाना पसंद था. मुझे पसंद था सिंदूर लगाना. मैं सिंदूर लगाता था, अपने पति को मारता था. मैं कहा विधवा हो गई. बहुत मजा आता था. तो मैं अपने पति के पैर दबा रहा था. तब राइट्स पता नहीं थे मुझे. अभी लास्ट वीक खेला तब नहीं दबाए. पैर दबा रहा हूँ, फोन आया लैंडलाइन पे. क्या हेलो, क्या अभिषेक पारुल बोल रहे हो. मगर दूसरे जेंडर का फोन. मम्मी आसपास घूम रही थी. अब ऐसी बातें बोलने के पता लग जाए लड़की से बात हो रही है. तो मैं जनरल न्यूट्रल फिजिक्स यूज कर रहा हूँ. मैं कहा हाँ सही बात है, सही बात है. हाँ होता ही है अब तो यार, लाइफ है क्या कर सकते हैं. नहीं आई थिंक नटराज का शॉपनर बेस्ट है. मेरी मॉम दूसरे रूम में गई और लैंडलाइन का दूसरा फोन उठा लिया. और आपको पता चल जाता है जब कोई दूसरा फोन उठाए तो, क्योंकि एक्स्ट्रा सांस आ रही है ना फोन में. मैं कहा दोनों बात करने बीच में कौन कर रहे हैं. तीनों फोन पे सास बहु दमाद. और ऐसी बात बोलने से कि फोन तुरंत कट हो जाए. दिस इज व्हाट आई केम अप विद. मैं कहा ओ चल बाय. श्री प्लेट को क्या हुआ, तेरी मम्मी आ गई क्या. अब गाल रेडी करते हैं, अब तो मार पड़नी है. मेंटल प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, ये वक्त भी बीत जाएगा. मुझे मम्मी की उस रूम से मेरे रूम में चलने की पायल के बाद आने लग गई. बैंचो भाग के मारने आ रही है. मैं पतिदेव बचाए आप. क्या तलाक हो गया, हमारा तलाक हो गया.
बहुत बुरा दिन था, मम्मी के मार पति का धोखा एक साथ। पॉइंट ये था कि इसलिए बिल्ले के 6 महीने से पहले कटवाने होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ना कटवाओ बिल्ले के 6 महीने से पहले, तो होता क्या है कि बिल्ले को थरक चढ़ जाती है। कोई बात नहीं, मुझे भी चढ़ जाती है। हमारे पास टिंडर बम्बल ऐसे पड़ा हुआ है, बिल्ले बेचारे के पास कुछ नहीं है, वो कमरे में बैठ के थरक में फ्रस्ट्रेट होता रहेगा। और हमें कुछ पता नहीं, हमने कल खाना खा ले, खाना नहीं चाहिए मुझे, खाना विच इज अंडरस्टैंडेबल। तो मैं थरक चढ़ी को तरबूज ला के रखती, अबे थरक चढ़ी थी ये तब तुम लोग यो घटिया बातें सोचने वाले, तरबूज खाना था आराम से, घटिया लोग आते हैं शोर में आजकल। होता पता है क्या है, जब बिल्लों की थरक बहुत बढ़ जाती है ना, एंड दे कांट लाइक कंट्रोल देमसेल्फ, देन व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट पीइंग एट डिफरेंट स्पॉट्स इन योर रूम टू अट्रैक्ट द फीमेल कैट्स इन द एरिया बाय द यूरिन स्मेल। इतना सिंपल है पटाना हूं। बिल्ले बस टांग उठाते और बिल्ली कहती है जो मूत्रा है मेरा पति। कौन है जो हमारी गली में हल्का होने आ गया। सही है ना सिस्टम। अरे काश यार, काश हमारा ऐसा होता, मैं तो बोतल में लेके घूमता था। कोई लड़की चाट खरी, यहाँ 2 बूंद गिरा दी, भैया चटनी देना, चटनी चटनी गई बाहर में, खुशबू किसकी आ रही है यहाँ पे। ओ हाय स्टॉप इट। मिल जाता सेक्स। नहीं, बहुत जरूरी होती है न्यूट्रिंग, आई एम श्योर आपको पता होगा, पर जिनको नहीं पता, बिल मतलब कटवाने ही चाहिए, तो मैंने डॉक्टर के पास लाके कटवा दिए और एनेस्थीसिया देके कटवाया ऑब्वियसली। हाँ ये नहीं क्यों, उधर देखिए जरा खर्च। सॉरी यार, महंगा बहुत था ना, बुरा तो नहीं लगा। आई नो, कटवा दी। अब यार बिल्ला बेचारा नींद में था, ऑपरेशन हो रहा है उसका, नींद में कट रहे हैं यार किसी के। सोचो तुम, सोचो सो के उठो, तुम्हारे हैं ही नहीं, वो भी जो घर में रहता तुम्हारे, उसने कटवाया। लाइक नेक्स्ट लेवल धोखा है ना। मैं ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है, मैं कह रहा यार, डॉक्टर कह रहा है मत देखो आप ये सब, मत देखो और वीडियो मत बनाओ। वो इंस्टा पे गए तक। कट गए बिल्ले के, ठीक है। मैं उसको घर ले आया, सो रहा था, तो मैं कहा यार पापा बताए थे, मैं कहा पापा सुनो वो बिल्ले कटवा दिए। कह रहे ये कौन से कामों में लगे हुए तुम। मैं कहा पापा जरूरी होता है, ठीक है, आपको क्या पता। तो उसके बाद मैंने कैट बिहेवियर एक्सपर्ट को फोन कर बताया, मैं कहा अच्छा वो हो गया ऑपरेशन। कह रहे वेरी गुड अभिषेक, शाबाश। मैं कहा मतलब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा, पर ठीक है। कह रहे नहीं नहीं जरूरी था बहुत, क्योंकि वो जंगली जानवर है ना, उसकी मम्मी नहीं रोक रही उसको, ठीक है, वो नहीं रुकने वाला कभी, वो जब चढ़ती ना ठरक वो हो जाता आवारा, घर से बाहर भागता मारता मर जाता ट्रैफिक ये वो सब, तो अब बढ़िया है वो, तो हमने बहुत अच्छा किया है। मैं कहा चलो ठीक है, और बहुत बढ़िया हो गया बिल्ला सच में, वो बहुत चिल्ला है वो बिल्ला अब, मतलब सेक्स जैसी फालतू चीज़ों में उसका दिमाग लगता ही नहीं, खाता है पीता है खेलता है चिल मारता है सोता है। मैं कहा बहुत सही, बहचो मुझे बताता मैं कटवा लेता हूँ। मेरे लिए लेट हो गया बहुत। और वो तो भाई क्या टाइम ही टाइम है ना उसके पास, तो अब तो आर्टिस्ट हो गया लड़का, गाने लिखता है पोएट्री लिखता है। उसने लिखा है गाना, सही बता रहा हूँ मैं आपको, और उसके पास एक ही चीज़ लिखने वाली जो उसके साथ क्या हुआ। तो उसने गाना लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप वो सुने और उसी के मुँह से सुने तो बेटर है, तो ले आओ लेके आओ लेके आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस 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 आराम से ले आओ, वही सुनाएगा उसने जो लिखा है गाना। ऑफकोर्स असली ला रहा टॉर्चर होता है वो। बाय द वे प्रूफ कटा हुआ है देख लो। ओके
तो आप देखो यार भाई, देखो अभी तुम्हें मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, लोगों को पता नहीं है बिल्लों को कैसे हैंडल करना, कभी सड़क पे तुम्हें बिल्ला वाले दिखे ना, बहुत सारे दिखते हैं, सो देयर इज अ वे टू पिक देम अप, लाइक बहुत तो ढंग से उठाते नहीं बिल्लों को, अगर मान लो ऐसे बैठा है, दिस इज हाउ यू पिक देम अप। तो अब जो गाना है वो यही सुनाएगा, इसके मुझसे अच्छा लगा, मैं स्टेज इसका लेना चाहता, सुन लो अब। लाइक्स नहीं आए ना, तो फिर दूसरा ले आएंगे, टाइम तो कमिंग है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज अभिषेक उपमान्यो। क्या मैं नहीं, नहीं बेइज्जती लगती है ऐसे सबको क्लियर। क्या हाल है? बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को। दोपहर को तुम आ गए, अच्छी बात है। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं, वहाँ मेट्रो बन रही है इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों की जरूरत है, मेट्रो बन तो रही। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के, ऊपर से मैं दिल्ली था, मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है, मैं क्या, मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है। मुझे क्या बता रहे हो तुम ये? थैंक्स फॉर कमिंग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया, और मैं वो PVR में नहीं गया, मैं उसमें गया, वो सिनेमा हॉल नहीं होता, वो सिंगल स्क्रीन, हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपके गान के नीचे। ओ और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तो मैं बालकनी होता है लोअर स्टॉल होता है, और मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं, एक बार गया था, मेरे दोस्त में ले गया था, और बड़ी अजीब बातें करके ले गया, कहता है लोअर स्टॉल चलना, मैं कहा मुझे जाना, कह रहा है चलना, मैं क्यों, कह रहा है यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मैं कहा मतलब, कह रहा क्या हरकतें करते थे, फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं, आ जा आ जा आ जा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है, आप समझ रहे, ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं, कह रहे ओए याद है जब चाइनीज, मैं चबा रहा हूं मैं अभी यार, पेट तक तो पहुंचते खाने को। तो ये ना फालतू की फील में रहता है, क्या करता है ये दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीज़ें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंस दिए, ये दोस्ती के पल, मैं चबे यार मैं जीने होते पलों को पहले तो यार, पल के बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी, वी ब्रोक अप but it was mutually decided that I don't deserve her. It was very clear right from the start. ladaiyan lagi thi na, kitni ladai karoge aap, ek hi ladai kitni bar karoge? jaise hum ek baar saath mein baithe hue the and she's like oye koi moment bana, matlab ke relationships mein moments hote hain na, main kaha hote hain, hote hain, kahi to bana phir। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा, अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। गॉड इज नॉट सेइंग एनीथिंग, देयर इज नथिंग मेमोरेबल अबाउट दिस ड्राइव टू रिमेंबर लेटर। तो मैंने खंभे में गाड़ी ठोक दी। कहा पक्का याद रहेगी हमें? याद है वो पल जब छाती में स्टेरिंग घुस गया था, हाय वो ICU का वार्ड, भुला ही नहीं बोलता। देखो यार ये तो हो गए जोक्स खत्म,
अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ यार, आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा, हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। और जब बड़ा हुआ था तो समझ आया फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली। ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है, क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है सारे। और पता है इनको एक तरीका आता है, इनको एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना। ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले। जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया है। इंडोर जॉब है वो। सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं, इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ क्या करना है? बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों खड़ा करो यहाँ लाइन में, अब सबके फोन रिकॉर्ड्स निकालो, निकाल लिए दिखाओ जरा इधर। हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी, तुम वो मर्डर? कह रहा मैं ही हूँ। टफ डे एट वर्क। ये बताए ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे, पुलिस ही गांड ही फट गई, क्या करेंगे? ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार? तो नहीं पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया तो पता नहीं इन्होंने क्या किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए हैं। इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड्स निकाल लिए, सच में पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे। सबको खड़ा किया, खड़ा करो उसको यार, निकालो सबके फोन रिकॉर्ड्स, इनको शौक चढ़ा ना मर्डर करने का, बताते हैं कहते तुम्हें। ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं, तुम हो मर्डर? मैं तो नहीं हूं। क्या तार तुम ही हो ना? मैं ही हूं। हाँ। क्यों बताइए, क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं। ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन, ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी, हाय पापा, उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। कोई मर गया तुम मजे ले रहे हो उसके, उसे क्या पता था मतलब। और इसको पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी, हाय पापा, पापा को पप्पी, हाय मम्मी, मम्मी को पप्पी, हाय कुत्ते, कुत्ते को पप्पी। मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे? नहीं, मेरे घर में तो ऐसी सुबह नहीं होती। सच में इसको देख के सोचा था, मैं कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं, हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के, हमारी नहीं पप्पियां झप्पियां चल रही, लड़ाइयां ही चल रही उल्टा। ये को टाइम है उठने का, आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है। खैर, उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी। और पहले तो मेरे बाप से पहले उठ गए, मैं तो नहीं मानता ये सब। अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता, सच में। वो दादाजी रात के 3 बजे होते, सुबह हो गए, मैं सो जा आप यार। क्या कर रहे हैं आप? हम सोने जा रहे हैं अभी। नहीं, नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ।
जाओ बाद में मिलेंगे, सो जाओ चुपचाप। खैर उसमें दिखाया कि उसका बाप, सुबह सुबह का टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चादर लेकर उसको देख के मुझे नींद आ रही थी सच में, बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है। ये आई अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे? और इसके पापा क्या बोल रहे हैं, ओहो शैतान आ गई। बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है, क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं तब होगा असली क्राइम पेट्रोल छोड़ो। हाँ, मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला, वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी। पर डाम बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार, मर्डर हुआ है एक, एपिसोड बनाने हैं दो, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गेस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था, मुझे पहले ही पता चला था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, ठीक है, उन्हीं में एक गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है। मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई, अब इसकी बीवी का पड़ोसन छिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर है? नहीं बहन जी देखो, वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप, बस चलो बेटा, बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। क्राइम पेट्रोल ना सॉल्ड केसेस दिखाते हैं, सॉल्ड केसेस, ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा क्या काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा है, अच्छा मैं दिखा रहे हैं आज, हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। But that's too बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार। मैं दिमाग खराब हो रहा था सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको, मैं सपने मनुष्य सो नहीं आता था। मैं कहा ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, फिर सपने में अनूप सो नहीं आ रहा है। नहीं बंदा बुरा नहीं है, पर सपने में आया लाइक भी नहीं है ना बंदा। मैं पार्टी में आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं कहा सतर्क रहें, सुरक्षित रहेंगे। मैं कुछ अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना एजुकेशन, तो मैंने कॉस्मोस देना शुरू कर दिया। कॉस्मोस पता है आपको, कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है, यूनिवर्स पता है ना, बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स, और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस में कुछ चीज़ मुझे अजीब लगी, वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ पे हैं, वो अजीब नहीं है, वो तो शुक्र है, बाकी प्लैनेट्स तो बहुत ही फुद, छोड़ो बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है। कहते अर्थ, हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो कहते हैं ऐसे बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी, फिर बिलियन गैलेक्सीज मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे, फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब है एक और बिलियन, और जब ऐसे 5-6 बिलियन लगा लोगे तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है, कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को तो रहन दो फिर, तुम बस सिलेबस बढ़ा रहे हो बच्चों का, अब और ढूंढने का इतना शौक है, कोई ढंग की चीज ढूंढ लो, मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। आपने देखा बहुत सारे लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है मतलब, पर हमारे किसी काम की नहीं है, पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्या बता रहे हो मुझे? हाँ स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के।
उसमें स्टार्स को बताते हैं, कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है, लाइट ईयर्स मतलब लाइट को सालों लगते हैं वहां से यहां पहुंचने में। तो बताते हैं जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल स्टार है भी नहीं, स्टार फटके मर चुका है, वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। वो पापा कहते दादी या नानी फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे। तो मुझसे पूछता आपकी नानी कैसे मरी, मैं फट के